आप देख रहे हैं यूथ मुकाम न्यूज, मतलब खबरें आपके काम की। बिहार में किसानों को संसाधनों की कमी के साथ साथ मौसम के प्रतिकूल प्रभाव की दोहरी मार झेलनी पड़ती है। ऐसे में चाहकर भी कृषि अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाती। इसके मद्देनजर बिहार ने कुछ अहम निर्णय लिए हैं। अब बिहार के सभी जिलों में जलवायु के अनुसार खेती होगी। बता दें कि बिहार के 8 जिलों में चल रही जलवायु के अनुसार खेती योजना काफी सफल रही है। उत्साहित बिहार सरकार ने अभी से सभी जिलों में लागू करने का फैसला किया है। योजना की जिम्मेदारी लेने वाली संस्थाओं की संख्या भी बढ़ेगी। फिलहाल 4 संस्थाओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। योजना में यह तय है कि साल के 365 दिन खेत में फसल रहेगी। इसके लिए जोन और मिट्टी की संरचना के अनुसार वैज्ञानिक अपने क्षेत्र के लिए फसल और उसकी किस्मों का चयन करेंगे। 5 साल तक चयनित खेती की जुताई नहीं होगी। रबी में इसकी शुरुआत होगी। 1442 एकड़ में खेती की गई। जिन खेतों का चयन किया गया वहाँ गेहूं की फसल कट गई और दूसरी फसल लग गई। इसके लिए अभी मूंग का चयन किया गया। बुआई के लिए 3 तरीके अपनाए गए, हैप्पी सीडर, जीरो टीलेज और रेस्ट बेड प्लांटिंग की गई। नतीजा यह हुआ कि आंधी में भी फसल कहीं गिरी नहीं। उत्पादकता भी गेहूं में भागलपुर और बांका में 41.5 से 44.1 क्विंटल उत्पादन हुआ। दूसरे जिलों की भी यही स्थिति रही, जबकि सामान्यतः 30 से 35 क्विंटल ही उत्पादकता होती है। नई संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ने योजना से जुड़ने की सहमति दी है। योजना में चयनित खेत में फसल की बुआई बिना जुताई के होती है। 5 साल तक खेतों की जुताई नहीं होनी है। योजना पर अभी पायलट के रूप में काम शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवंबर में इसे लॉन्च किया था। 8 जिलों का इसके लिए चयन किया गया था। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जिम्मे भागलपुर और बांका, राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के जिम्मे खगड़िया और मधुबनी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जिम्मे सिर्फ गया और बोरलॉग इंस्टीट्यूट के जिम्मे मुंगेर, नालंदा और नवादा जिले दिए गए। इन संस्थाओं की जिम्मेदारी परंपरागत खेती में विज्ञान का तड़का लगा, जलवायु में हो रहे बदलाव की चुनौती स्वीकार करने के लिए किसानों को तैयार करने की रही है, जिसमें ये सफल भी रहे हैं। बता दें कि नालंदा में प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर 47 से 52 क्विंटल की उपज हुई, जबकि गया में 42 से 45 क्विंटल गेहूं हुई है, जबकि मुंगेर में 42.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तो बांका में 42.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की खेती की गई है, जबकि नवादा में 42 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तो खगड़िया में 45 से 58 क्विंटल तक की प्रति हेक्टेयर की उपज मिली है, जबकि भागलपुर में 41.5 से 44 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज हुई है। इससे सरकार काफी उत्साहित है। इधर संयुक्त कृषि निदेशक अनिल झा ने कहा कि मौसम में हो रहे बदलाव के अनुसार खेती के पैटर्न को बदलना समय की मांग है। योजना से किसानों की लागत भी घटती है और उत्पादन भी बढ़ता है। सरकार ने इस योजना को राज्य भर में लागू करने के लिए पैसे की व्यवस्था कर दी है। बीयू से जुड़े जिलों में इस योजना के उत्साहजनक परिणाम मिले। गेहूं की उत्पादकता बढ़ी है, साथ ही समय से पहले फसल तैयार हो गई। अगर रहना चाहते हैं हर जानकारी से अपडेट तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले प्लीज, और बेल आइकन दबाना एकदम ना भूले। न्यूज, शिक्षा, नौकरी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी खबरें व ट्रिक सिर्फ यूथ मुकाम।